जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। सुंदरी कौवी बहुत ही लालची कौवी थी। उसने स्ट्रॉबेरी की खेती कर रखी थी। एक दिन वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रॉबेरी पकने का समय आ चुका है। अब आपको स्ट्रॉबेरी की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने स्ट्रॉबेरी की रखवाली नहीं की तो सारी स्ट्रॉबेरी चोरी हो जाएंगी और हमें ठेंगा मिलेगा। वैसे भी मैंने कितनी मेहनत से खेती की है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये सुनकर फिर सुंदरी और कालू अपने स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुँचते है। वहाँ जाकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। अरे वाह, देखो कालू, इस बार स्ट्रॉबेरी की कितनी अच्छी फसल हुई है। इसे बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। इससे हम बहुत ऊंचे दामों में बेचेंगे। तभी उड़ती हुई टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, ये ले अपनी स्ट्रॉबेरी के पैसे। मैंने आपके खेत में से ये 5 स्ट्रॉबेरी तोड़ी थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो इन 5 स्ट्रॉबेरी के तुम? अरे कालू भैया, मैं आपको इन 5 स्ट्रॉबेरी के 25 रुपए दे रही हूँ। 25 रुपए? ये तो बहुत कम है टुनटुनी चिड़िया। मुझे पूरे 50 रुपए चाहिए इन स्ट्रॉबेरी के। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। 5 स्ट्रॉबेरी के 50 रुपए? सुंदरी बहन, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, या तो मुझे पैसे दो या मेरी स्ट्रॉबेरी वापस करो। मैं स्ट्रॉबेरी कहाँ से वापस करूँ सुंदरी बहन? वो तो मेरे बच्चों ने खा ली। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। पर सुंदरी कौवी उसकी एक नहीं सुनती। फिर हार कर टुनटुनी चिड़िया को 50 रुपए उसे देने पड़ते हैं। ये ले सुंदरी बहन, अपने 50 रुपए। आप तो बहुत लालची हो रही हो। मैं आज के बाद से कभी आपके खेत से स्ट्रॉबेरी नहीं लूंगी। आप तो सरेआम लूटपाट कर रही हो। फिर पैसे देकर टुनटुनी चिड़िया घर चली गई। अरे देखा कालू, मैंने कैसे चिड़िया को डराया। अब तो वो चिड़िया वापस से हमसे पूछे बिना स्ट्रॉबेरी नहीं लेगी। सुंदरी, इतनी लालच ठीक नहीं। ऐसा ना हो हमारी बाकी की स्ट्रॉबेरी तुम्हारी लालच की वजह से पेड़ में ही ना सड़ जाए। कालू तुम चुप करके बैठ जाओ। मैं जैसा कर रही हूँ मुझे वैसा करने दो। वो देखो कालू आ गया बंटी कबूतर। देखो मैं उसे कैसे उल्लू बनाकर पैसे छीनती हूँ। बंटी कबूतर उसके खेत से 20 स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है। तभी सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे कबूतर, दिख नहीं रहा क्या तुझे? हम दोनों यहीं बैठे हैं और तू स्ट्रॉबेरी तोड़े जा रहा है। हमारी आंखों के सामने तू हमारे खेत की स्ट्रॉबेरी चुरा रहा है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं सुंदरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं स्ट्रॉबेरी के पैसे देने आपके घर जा रहा था। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये ले 20 स्ट्रॉबेरी के 200 रुपए। ऐसे कैसे? पूरे 400 रुपए देने होंगे तुम्हें। अरे सुंदरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। 200 रुपए पकड़ो और मुझे स्ट्रॉबेरी लेकर जाने दो। अच्छा, तो तूने इसलिए मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी तोड़ी है? चल निकाल 400 रुपए और ये लेकर जा। अरे सुंदरी बहन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। लो रखो अपनी स्ट्रॉबेरी अपने पास। आई बड़ी पैसे मांगने वाली। ऐसे कैसे? तूने स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। अगर तू ये वापस पेड़ पर लगा देगा तो मैं वापस रख लेती हूँ। बोल कर सकता है क्या? फिर बंटी कबूतर क्या करता, 400 रुपए सुंदरी कौवी को देने पड़े और वो दास मन से वहाँ से उड़ रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, उन कौवी और कौवे ने तो आज मुझे लूट लिया। 20 स्ट्रॉबेरी के पूरे 400 रुपए लिए हैं। हाँ बंटी भैया, उन्होंने मुझसे भी बहुत ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे भी आज उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अरे टुनटुनी बहन, आपके पास तो जमीन है, आप क्यों नहीं उस पर स्ट्रॉबेरी की खेती करती? फिर हम सब पक्षी आपसे स्ट्रॉबेरी खरीद लिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपने सही कहा। वैसे आपका आइडिया तो बुरा नहीं है, मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खाली पड़ी जमीन की सफाई की और उस पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगी। चिड़िया स्ट्रॉबेरी की फसल की अच्छी देखभाल करने लगी। फिर टुनटुनी चिड़िया की मेहनत रंग लाई और एक दिन टुनटुनी चिड़िया के खेत में लाल स्ट्रॉबेरी लग गई, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र, जो तूने मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती इतनी अच्छी उगाई। अब मैं से कम दामों पर अपने जंगल के पक्षियों को बेचूंगी। वहीं ये खबर सुंदरी कौवी तक पहुंच जाती है।
सुंदरी तुमने कुछ सुना? उस नन्ही चिड़िया ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर ली। उसकी सस्ती स्ट्रॉबेरी सभी पक्षी खरीद कर खाएंगे। ऐसे कैसे कालू जी, मैं भी देखती हूँ वो चिड़िया कैसे सस्ती स्ट्रॉबेरी बेचती है। उधर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खेत की रखवाली के लिए एक बास को रख लिया था। सुंदरी कौवी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कालू चलो चिड़िया के खेत में चलते हैं और उसकी सारी स्ट्रॉबेरी चुरा लेते हैं। सुंदरी इतना भी लालच ठीक नहीं, मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे भाषण मत दो। फिर सुंदरी अकेली ही टुनटुनी चिड़िया के खेत में स्ट्रॉबेरी चुराने पहुंच जाती है। वहीं एक पेड़ पर बैठा हुआ बाज सुंदरी कौवी को चोरी करते हुए देख लेता है और वो सुंदरी की खूब धुलाई करता है। अरे बचाओ मुझे, कोई इस बाज से, कोई मुझे बचाओ। बोल, फिर से चुराएगी स्ट्रॉबेरी? तेरी शिकायत मैंने बहुत सुन रखी है, आज तू मेरी पकड़ में आ ही गई। बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये बाज मुझे मार डालेगा। सुंदरी की करहाने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है और सुंदरी को बचा लेता है। सुन रे कालू, अपनी पत्नी को उठा और यहाँ से चला जा कहीं दूर, वरना इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। फिर कालू सुंदरी कौवी को वहाँ से ले जाता है। वो दोनों जंगल छोड़कर चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी की खेती करके जंगल के पक्षियों को सस्ते दाम में बेचने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुनटुनी चिड़िया की परवरिश उसके बड़े भाई बंटी कबूतर ने करी थी। जब तक बंटी कबूतर अकेला रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बंटी कबूतर की शादी हुई उसकी पत्नी टुनी चिड़िया के आते ही हालात बदलने लगे। अरे टुनटुनी, मैं जरा शहर के जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा, घर का ख्याल रखना। अगर तेरी भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो ला कर दे देना। तभी अंदर से बात सुन रही टुनी चिड़िया बड़बड़ाती हुई बोली, कुछ जिम्मेदारी इस लाडली बहन को क्यों नहीं दे देते? खुद शहर के जंगल जाने की क्या जरूरत? टुनटुनी चिड़िया को भेज दो, वैसे भी पूरे दिन इधर उधर उड़ती फिरती है और गाना गाती रहती है, इसे और कुछ काम तो है नहीं। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अरे भाग्यवान, क्यों अपना जी जलाती हो? टुनटुनी चिड़िया भी छोटी है, उसे सारे कामों का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो उसे ही शहर के जंगल भेज देता। और रही बात गाने की, तो वो शौक इसका बचपन से है, पूरे जंगल के पक्षी झूम उठते हैं इसके गाने से। अब इसकी उम्र काम धाम करने की है, ना कि कोयल बनने की। आखिर कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाओगे? कल को हमारे भी बच्चे हो गए तो हम इसे पालेंगे या अपने बच्चों को? टुनटुनी चिड़िया अक्सर जंगल में जाकर गाना गाती थी, तभी वहाँ कालू कौवा आ गया। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत उदास लग रही हो। हाँ कालू, भाभी हमेशा काम चोरी का ताना देती हैं। मैं क्या करूं? भैया कोई काम बताती तो मैं जरूर करती। अगर माँ बापूजी जिंदा होते तो मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाते। हाँ तो अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने लिए कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा, ताकि मेरे परिवार को भी लगे कि तुम किसी काबिल हो। वैसे भी मेरी मम्मी को काम करने वाली चिड़िया पसंद है और वो मेरी शादी के लिए एक अच्छी चिड़िया की तलाश में है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन गरीब चिड़िया होने की वजह से कालू कौवे के माँ बाप उसे कतई पसंद नहीं करते थे। टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसने काम करना शुरू नहीं किया तो कालू कौवा किसी और से शादी कर लेगा। दो दिन बीत गए, बंटी कबूतर शहर से आ गया और टुनी चिड़िया ने उसे खाना दिया। ये टुनटुनी कहाँ है, खाना खा लिया उसने? हाँ जी खा लिया, कभी मुझसे भी पूछ लिया करिए। उसके बाद टुनी चिड़िया सोचने लगती है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा लट्टू पति एक दिन सब कुछ इस टुनटुनी को ही सौंप देगा, मुझे इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। रात के समय धीरे से उठकर टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में गई और वहाँ अपने सोने का हार टुनटुनी चिड़िया के बैग में रख दिया। फिर सुबह उठकर बोली, हाय राम, मेरा हार कहाँ चला गया? मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था, उसकी कीमत तो लाखों में थी, अब मैं कहाँ से इतना महंगा हार लेकर आऊँगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, मिल जाएगा हार, घोंसले से कहाँ जाएगा। अरे जी मैंने सब जगह देख लिया लेकिन हार का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है टुनटुनी ने मेरा हार चुराया है क्योंकि उसने अपना बैग छुपा कर रखा हुआ है। ये गलत बोल रही है भैया, मुझे तो हार के बारे में कुछ नहीं पता। अपने भैया के सामने कितनी भोली बन रही है, चल तेरे घोंसले में और अपना बैग दिखा। उसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के बैग को चेक करता है और उसमें से सोने का हार निकलता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। भैया ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कहां से मेरे बैग में आ गया, मुझ पर विश्वास करो भैया। तो क्या मैंने रखा है और ये सब मैं नाटक करूंगी, मुझे नहीं पता था तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी टुनटुनी। अब तू इस घर में नहीं रहेगी टुनटुनी, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए जंगल आ जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर से निकालने के लिए ये सब किया है, तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें कोई काम शुरू करना होगा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। कालू मैं अकेली कैसे कुछ कर सकती हूँ। किसने कहा तुम अकेली हो, मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगा। तभी कालू कौए को नदी के पास बहुत सारे तरबूज दिखाई देते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है। टुनटुनी क्यों ना तुम तरबूज का रिक्शा बनाओ, वैसे भी तुम तरबूज के कितने अच्छे खिलौने बनाती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ तरबूज इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन तरबूज से सुंदर सा रिक्शा बनाती है। उसका रिक्शा देखकर कालू कौए की माँ सुंदरी कौवी वहाँ आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है। अरे वाह तूने तो बहुत अच्छा रिक्शा बनाया है, हम बूढ़े पक्षियों के लिए तूने तो हमारा काम आसान कर दिया, अब हम हर जगह तेरे बनाए रिक्शे में ही बाहर शहर के जंगल जाएंगे। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के रिक्शे की तारीफ करते हैं। पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया के तरबूज का रिक्शा मशहूर हो जाता है। वही टुनटुनी चिड़िया के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। सुनो जी अब हमारे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्यों ना आप अपनी बहन से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रही हो, तुम्हारा उसने हार चुराया था और उन्हीं पैसों से वो तरबूज खरीदकर रिक्शा बना रही है, मैं कभी उससे मदद नहीं मांगूंगा। बंटी कबूतर की तबीयत खराब होती जाती है, उसकी हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया से सब सच बताती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, तभी भगवान मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है। फिर दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया टुनटुनी से माफ़ी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया ने देखकर बहुत खुश होती है। भाभी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है, आप चिंता मत करो मैं अपने भैया का इलाज करवाऊंगी। थोड़े दिन बाद ही बंटी कबूतर ठीक हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौए से करा देता है। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।